नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे। और आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, लाभ और हानि को। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना कैसे जाता है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एग्जामिनेशन में जितने सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे प्रॉफिट का हो, चाहे लॉस का हो, या परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत का हो, या लाभ हानि प्रतिशत का हो, इस सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको जानने से पहले हम एक ओवरव्यू प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस है क्या और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज करो कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो या व्यापार कर रहा हो, और मान लो कि कोई एक वस्तु उसने खरीदा 100 रुपए में। 100 रुपए मतलब सपोज करो कि यही पेन है, इस पेन का वो खरीद के लाया अपने दुकान में बेचने के लिए 100 रुपए में। तो मूल्य कितना होगा दोस्तों इसका? मूल्य समझ गए हो कि 100 रुपये में इसने खरीदा। तो जितने में खरीदा उस मूल्य को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्तों? इस मूल्य को हम कह देंगे क्रय मूल्य, या इसको बोले तो परचेजिंग प्राइस इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो जितने में वो खरीदा उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। अब ये दुकानदार जब 100 रुपए में एक पेन खरीद के लाया, अब उसको सपोज करो उसको बेचना है, वो क्या सोचेगा कि जितने में मैं खरीदा हूं उससे मुझे ज्यादा में बेचना चाहिए। तो कितना में सपोज कीजिए उसको बेचने में उसने 120 रुपए में बेच दिया। तो जितने रुपए में बेचा उस मूल्य को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या मूल्य बोलते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य, या सेलिंग प्राइस। तो अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 100 रुपए में उसने खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो उसमें इसने 20 रुपए ज्यादा करके बेचा। तो वही जो 20 रुपए हुए वही उसका क्या हो गया दोस्तों? बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वही उसका लाभ हो गया। तो हम हमेशा लाभ को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो बेचा हुआ मूल्य है उसमें से खरीदा हुआ मूल्य को घटा देते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन यही चाहेगा कि हम जितने में खरीदे हैं वस्तु को उससे ज्यादा करके ही उस वस्तु को बेचा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा या प्रॉफिट मिले। तो अगर हम लाभ की बात करें तो इस केस में क्या हो गया दोस्तों? अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो गया, यानी कि बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा है, तो यानी बिजनेसमैन को क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ बराबर क्या कैलकुलेट करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्रय मूल्य लिखे हैं और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में वी मूल्य लिखे हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होगा उस केस में लाभ होगा। यानी कि आप दोस्तों देखेंगे कि 120 जो कि आप 120 रुपए में उसने बेचा माइनस 100 रुपए जो कि उसका परचेजिंग प्राइस था, इसको माइनस कर दिया आपने, तो 20 रुपए जो हुआ वो उस दुकानदार को क्या हो गया? लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। सेम सपोज कीजिए कि उसने 100 रुपए में तो खरीदा, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, वो पेन बहुत दिनों से पड़ा रह गया, उसका कोई खरीदार नहीं आया। तो दुकानदार चाहा कि हम इस पेन का कुछ पूंजी तो मैं वापस निकाल लूं। तो उसने क्या किया कि 100 रुपए में तो कोई लेने वाला नहीं था, तो उसने इस प्राइस को किसी कारण बस अगर बेचने में उसने 80 रुपया, ये केस सपोज कीजिए दूसरा केस, ये पहला केस था, ये दूसरा केस में बेचने में उसने उसे कितने में बेच दिया? अगर 80 रुपए में बेचा, 80 रुपए में बेचा, तो ये भी क्या हो जाएगा इस केस में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 80 रुपए में बेचा, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्योंकि उसने 100 रुपए में खरीदा था और उसे 80 रुपए में ही बेचना पड़ा, यानी कि 20 रुपए कम करके बेचना पड़ा, तो इस केस में दुकानदार को क्या हो गया? नुकसान हो गया। और इसी नुकसान को हम लोग हानि कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो इस केस में लॉस कैसे निकालेंगे? तो यानी कि लॉस यानी कि हानि,
तो हानि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय सॉरी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहां पे आप दोस्तों देखते होंगे कि हानि के केस में क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया, और लाभ के केस में क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि जो ज्यादा रहेगा उसी में तो कम वाले को घटाएंगे ना। तो यहां पे हानि के केस में क्या है, इसका जो क्रय मूल्य है 100 रुपए वो इसके विक्रय मूल्य से ज्यादा है, इसीलिए इस हानि के केस में क्या हो गया, तो क्रय मूल्य जो इसका 100 रुपए था उसमें से 80 रुपए को हमने घटा दिया जो कि विक्रय मूल्य है, तो इसमें 20 रुपए जो हुआ इसको हानि हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हानि हो गया। तो ये दोस्तों 20 रुपए इस केस में हानि हो गया, और पहले वाले केस में जिसमें दुकानदार दाम को बढ़ा करके बेचा था उसमें 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि लाभ और हानि पे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, तो हम उसको लाभ और हानि को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में उससे और आगे होकर के क्या पूछा जाता है कि अगर लाभ निकल गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, और अगर हानि हो गया तो प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस कितना होगा। तो हमेशा दोस्तों लाभ और हानि दोनों का जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो हमेशा क्रय मूल्य कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि की गणना हम लोग करते हैं। क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि हम जितने में खरीदे उससे हम ज्यादा में सामान को बेचा या उससे कम में सामान को बेचा। अगर ज्यादा में सामान को बेचा तो लाभ होगा, और कम में सामान को बेचा तो हानि होगा। यानी कि क्रय मूल्य पर ही हमेशा परसेंटेज लॉस या परसेंटेज हानि कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर परसेंटेज आपको समझ में नहीं आता है तो इससे पिछला वीडियो हमने परसेंटेज का डाला है, आप उसको अगर परसेंटेज का देख लेंगे तो आपको परसेंटेज लॉस यहाँ पे और परसेंटेज हानि को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं या उसको देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे समझा जाए। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि क्रय मूल्य परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस क्या होता है, तो जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य या परचेजिंग प्राइस कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। सिमिलरली विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इतना ये भी समझ लिया आपने। अब लाभ क्या होगा, तो जब लाभ होगा यानी कि विक्रय मूल्य उस केस में क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अगर हम कर देते हैं तो हमें लाभ निकल जाएगा। और हानि क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि उस केस में विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से छोटा होगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो हमें हानि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मेन चीज हमने आपको बता दिया था। अब दोस्तों देखते हैं कि परसेंटेज लाभ क्या होता है और परसेंटेज हानि क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे डिसाइड किया जाएगा, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसीलिए जो लाभ का परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होगा वो होगा लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य पे जो लाभ हुआ वो कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य के कंपैरिजन में जो लाभ की प्राप्ति हुई वो कितना हुआ। सिमिलरली हानि जो होगा वो क्या होगा कि हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, माने हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कितना हानि हो गया। आइए दोस्तों एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। कैसे, सपोज कीजिए कि राजेश जो है, राजेश एक साइकिल उसने कितने में खरीदा, सपोज कीजिए कि 250 रुपए में उसने एक साइकिल को खरीदा, तो जो रुपए में खरीदा, तो यानी कि इस केस में इसको क्या हो गया कि 250 रुपए में खरीदा, तो 250 रुपए इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो हम इसको लिख लेते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू 250 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि केस फर्स्ट में है कि राजेश ने उस साइकिल को उस साइकिल को 300 रुपए में बेच दिया, तो इसको क्या होगा दोस्तों, क्योंकि 250 में खरीदा और 300 में बेच दिया तो 50 रुपए क्या होगा इसका फायदा हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य का बात करें हम, तो इस केस में विक्रय मूल्य क्या होगा 300। ठीक है, अब 300 तो इस केस में लाभ मिलेगा उसको, तो लाभ बराबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 300 है, क्रय मूल्य
250 है तो 300 माइनस 250 यानी कि जो बचा वो 50 रुपया हो गया, इसका प्रॉफिट लाभ हो गया। अब 50 रुपए इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, आप सिंपल प्रतिशत निकालना चाहें तो ये 50 जो लाभ हुआ है वो 250 क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज होगा। तो यहां से आप ये लाभ परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज लाभ जो हो जाएगा, परसेंटेज जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ इंटू 100 यानी कि 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य क्या है 250, तो 250 यहां से आप काट 5, इसको आप काटेंगे 5 से 20 तो ये हो जाएगा 20% लाभ इसका गेन कर लिया। यहां से लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, तो लाभ 50 रुपए हो गया था इंटू 100 और क्रय मूल्य 250 था तो हमने 250 रख दिया, 50 से 250 को काटा 5 और 5 से 100 को काटोगे तो 20% हो जाएगा। तो इस तरह से लाभ प्रतिशत हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगर आप भी एक दो एग्जांपल ले करके या जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है उसको बना के आप देखेंगे तो आपको भी सेम तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम हानि का कैलकुलेट करेंगे तो हानि के लिए क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से छोटा होना चाहिए। तो सपोज कीजिए आप कि राजेश ने साइकिल को 200 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये में बेच दिया तो इस केस में क्या होगा कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपीज। अब दोस्तों क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 200, लाभ होगा या हानि होगा, तो चूंकि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य ज्यादा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि क्या हो जाएगा, तो हानि इक्वल्स टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 250 जो कि परचेजिंग प्राइस है माइनस 200 जो कि सेलिंग प्राइस है, इस केस में 50 रुपीज क्या हो जाएगा, इसको हानि हो गई। अब हानि हो गई तो परसेंटेज हानि क्या होगा, यानी कि ये 50 रुपया 250 का कितना परसेंट, तो सपोज करो कि हानि परसेंट मैंने यहां से लिखा है कि हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहां से आप परसेंटेज हानि कैलकुलेट अगर करोगे तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250 हमेशा हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, इसको उठाओगे तो 5, इसको काटोगे तो 20%। अगर 250 में खरीदा है साइकिल को और 200 में बेच दिया तो हमें 20% की हानि हो जाएगी। तो हमेशा आप लोग क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ और हानि को अगर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में तो आपको परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी केस को बढ़ाते हुए एक दो और फॉर्मूला जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ परसेंटेज दिया रहे तो आपको अगर विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कि अगर लाभ होने पर यानी कि लाभ अगर दिया गया हो और क्रय मूल्य दिया गया हो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू लाभ बाय 100, ये एक फॉर्मूला है जिसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले यहीं से कैलकुलेट हो जाते हैं कि अगर विक्रय मूल्य आपने क्रय मूल्य आपने दिया हुआ है और विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बाय 100 हो जाएगा। लेकिन उसी केस में अगर हानि हो जाए तो हानि के केस में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस 1 बाय हानि। अब देखिए लाभ था तो प्लस हो गया दोस्तों और जब हानि हो गया तो क्रय मूल्य माइनस हानि बाय 100 हो गया तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी कि लाभ होने के केस में अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य हमको आराम से निकल जाएगा और विक्रय मूल्य और हानि दिया रहे सॉरी क्रय मूल्य और हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य हमें आराम से निकाल सकता है। उसी केस में लाभ होने पे अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहे, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहे तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यहीं से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य उसी को हमने यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बाय 1 प्लस लाभ, ये हो जाएगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला। और इसी से आप अगर क्रय मूल्य निकालना चाहे तो इसको हम सिंपल करके लिख दिया कि क्रय मूल्य इक्वल्स टू विक्रय मूल्य इंटू 100 बाय 100 माइनस हानि, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी कि आपको कोई दो चीज दिया रहे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लाभ, इसमें से कोई दो चीज दिया रहे तो आप तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे बड़े ही आराम से। अब दोस्तों देखते हैं जनरली आप किस मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एमआरपी लिखा रहता है और एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट रहता है। सपोज कीजिए जो कि कोई वस्तु आपने खरीदा है, सपोज कीजिए कि कोई आपने गया कोई दवा खरीदने, जनरली तो दवा पे एमआरपी लिखा हुआ है। एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है वो किसी वस्तु को हम जनरली उसको अंकित रहता है उसपे, तो चूंकि वो एमआरपी उसपे अंकित रहता है तो हम उसको अंकित मूल्य भी कहते हैं। तो सपोज कीजिए किसी भी वस्तु पे 100 रुपीज एमआरपी है इसका, इसी एमआरपी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य मतलब हुआ कि जो वस्तु पे लिखा हुआ है वो उसका एमआरपी हो जाएगा या अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इस पे सपोज कीजिए कि कुछ डिस्काउंट दिया रहता है, इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्काउंट के रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी में चैप्टर में आ जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि डिस्काउंट कहता है कि इसमें हमें 20% हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो कितना आपको पे करना होगा उस दुकानदार को। तो चूंकि दवा पे आप सपोज कीजिए 100 रुपए लिखा हुआ है उस पे एमआरपी, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, इसको बोलते हैं बट्टा जो है वो 20% दिया हुआ है कि आप 20% डिस्काउंट करके आप उसको दे सकते हैं। तो 20% कैसे निकालेंगे, तो कितना पे करना होगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू अंकित मूल्य मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अंकित मूल्य कितना था इसका 100, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, इसको काट दोगे आप तो हो जाएगा 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए आपको इस एमआरपी पे कम देना पड़ेगा। तो अगर डिस्काउंट आपको 20 रुपए इसमें से हटा दोगे तो 100 - 20 कर दोगे तो कितना बचेगा, 80 रुपए, यानी कि उस दुकानदार को उस दवा के लिए आपको 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, जो कि एमआरपी अंकित मूल्य माइनस जो बट्टा है, वो बट्टा जो आप घटा दोगे तो वो आपका पेबल अमाउंट डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 100 - 20 आप करोगे यानी कि 80 रुपये आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी दिया जाता है कि सपोज कीजिए R% बट्टा हो या R2%, कभी कभी सीक्वेंस में बट्टा दिया रहता है क्वेश्चन में। आप जब पढ़ेंगे तो एक वस्तु का प्राइस सपोज कीजिए 100 रुपए दिया हुआ है, उस पे एक दुकानदार एक बार पहले 10% बट्टा दिया जाता है और बट्टे के ऊपर में एक बार और 10% का बट्टा दिया जाता है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि नेट अमाउंट कितना पेबल होगा। तो बड़े आराम से एक एक करके आप बट्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी है एक दो बट्टे को, जो मैं यहाँ पे आपको लिख लेते हैं। अगर आप उसको याद रखते हैं तो आपको सिंपल में निकल जाएगा, और अगर नहीं भी याद है तो आप बेसिक प्रोसेस से अगर आप बनाना चाहें तो भी बट्टे का प्रॉब्लम एक अंकित मूल्य पे आप अगर उसको देख के परसेंटेज निकाल के अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल से भी ये बन सकता है। तो मैं एक दो फॉर्मूला जो इसमें पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप इसको निश्चित रूप से नोट करके याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु पे दो क्रमिक बट्टे यानी कि दो कंसिक्वेंस तो क्रमशः डिस्काउंट दिया रहे R1% एंड R2%, कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है सपोज कीजिए जिसका क्रय मूल्य लिखा हुआ, या इसको अंकित मूल्य आप कह सकते हैं दोस्तों, एमआरपी जिसको बोलते हैं आप लोग, एमआरपी अगर 100 रुपए लिखा हुआ है तो उस पर क्रमिक सपोज कीजिए कि 10% और 5% है, R1 और R2 दिया हुआ है, तो नेट डिस्काउंट उस पर कितना होगा। तो नेट डिस्काउंट आप यहां से कैलकुलेट अगर करना चाहे तो परसेंटेज के हिसाब से मैनुअली भी कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं, और नई एग्जामिनेशन में चूंकि जल्दी बनाना होता है तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखें कि तुल्य बट्टा नेट डिस्काउंट जो होगा वो R1 + R2 - R1 R2 / 100, यानी कि आप यहां से कैलकुलेट करना चाहे तो 10 + 5 - 10 × 5 / 100, या इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 - 20, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 14.5, यानी नेट डिस्काउंट 14.50 रुपए इस पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस केस में हमेशा लाभ ही होता है। सपोज कीजिए कि आपको बता दिया कि कोई दुकानदार 33 वस्तु खरीदता है, 33 वस्तु खरीद लिया तो 33 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बेचता है, वो उसका जो क्रय मूल्य जितना पैसा में वो खरीदा वो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये इक्वल्स टू है 30 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी कि 30 वस्तु को बेच दिया तो जो पैसा आया वो 33 वस्तु के खरीदने में जो पैसा लगा था वो आ गया। तो यानी कि इस केस में 33 वस्तु के क्रय मूल्य अगर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस केस में निश्चित रूप से प्रॉफिट ही होगा। तो वहां पे अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाए प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वो X - Y / Y / 100, यानी कि अगर इस केस में आप कैलकुलेट करें तो X क्या हो जाएगा
33 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहे आप दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करके, तो हो जाएगा 33 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 3/30 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप काट लेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 10% प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर x वस्तु का क्रय मूल y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसमें हमें लाभ होगा, और लाभ का परसेंटेज का फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा लाभ x माइनस y डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे इस पे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे बताना संभव नहीं है, इसीलिए आपको जो भी बुक है लॉस एंड प्रॉफिट का उसमें से आप क्वेश्चन को बनाए, कोशिश करें उसको समझने का और समझ के बनाए। अगर दो चार फॉर्मूले उसमें जो लिखे उसको समझ के अगर एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में आपको कहीं कोई डाउट हो तो हमारे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आते हैं उसको बताने के लिए, और लॉस एंड प्रॉफिट के इस वीडियो से आपको समझ अच्छी बनी हो लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।